हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों आपको पता ही होगा, जब एलविश यादव पिछले साल बिग बॉस के घर के अंदर थे और कीर्ति मेहरा ने बिग बॉस के रिलेटेड अपने चैनल पे वीडियो डाली थी, तो बहुत सारे लोगों ने कीर्ति मेहरा को हेट दिया था। लोग कीर्ति मेहरा को कह रहे थे कि तो व्यूज की भूखी है, ये एलविश यादव के नाम से व्यूज खा रही है। तो दोस्तों इसी मेन रीजन की वजह से कीर्ति मेहरा अब की बार बिग बॉस के ऊपर एक भी वीडियो नहीं बना रही, जबकि कीर्ति मेहरा के पुराने दोस्त और एलविश यादव के मैनेजर लवकेश कटारिया इस साल बिग बॉस के अंदर है, पर उन्होंने अभी तक एक वीडियो नहीं डाली और उन्होंने इसका रीजन भी बताया अपने स्नैपचैट स्टोरी पर। जरा देखिए, मैंने एडिट भी कर लिया था, सब कर लिया था, पर उसको मैंने अपलोड नहीं किया है क्योंकि कुछ चंदेदार लोग जो हैं कमेंट सेक्शन में आके गंद फैलाते हैं, तो वी आर अवॉइडिंग दैट। यू आर अवॉइडिंग दैट? आई एम अवॉइडिंग दैट शिट। वैसे मैं यूज टू इट हो चुकी हूँ, पर शी इज न्यू एंड शी इज नूब। गाइज, मैंने आज तक ये हेटर्स के बारे में सोचा है? अगर मैंने सोचा होता तो ये लोग पैदा ही नहीं हुए होते, ये कमेंट सेक्शन तक पहुंचे ही नहीं होते। अगर मैंने सोचा होता ना कि हेटर्स जैसी चीज भी कोई हो सकती है, तो मैं इनके बारे में नहीं सोचती। इनको अपनी दिहाड़ी पूरी करनी है, उनको पैसे मिलते हैं, उनको कर लेने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उनको ऐसा लगता है कि उन्हें पैसे मिलते हैं तो दो, चाहे 10-10 कमेंट करें या जितने भी करें, कोई दिक्कत नहीं है। पर इस सब चीज़ों में मैं सिर्फ अपने फ्रेंड्स को प्रोटेक्ट कर रही हूँ कि मैं कुछ ब्लॉग बनाऊँ और फिर वो कुछ दिक्कतें हो, तो मैं नहीं चाहती कोई भी मेरे दोस्तों में से इन सब चीज़ों को, टॉक्सिसिटी को फेस करे। तो बस, और कीर्ति अंश तो मेरे को पता ही है। तो दोस्तों आपको पता ही है कि पायल मलिक बिग बॉस OTT3 से इविक्ट हो गई और इस समय उनके बहुत सारे इंटरव्यू आउट हो रहे हैं। तो उनका सिद्धार्थ कानन के चैनल पे एक इंटरव्यू आउट हुआ और वहां पर उनसे पूछा गया, आपने लव कटारिया के साथ अच्छा टाइम गुजारा है, तो आप हमें क्या बता सकती हो कि लव कटारिया घर के अंदर घमंड में घूम रहा है कि बाहर तो एलविश यादव मुझे सपोर्ट कर रहा है, मैं जीत जाऊंगा। तो इस पे पायल मलिक ने यह कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, वो घमंड में तो नहीं घूम रहा, पर उसे प्राउड फील होता है कि मेरा दोस्त मुझे बाहर से फुल सपोर्ट कर रहा है। और पायल मलिक ने यह भी कहा कि उसको थोड़ा एडवांटेज भी है क्योंकि एलविश की फैन फॉलोइंग थोड़ी ज्यादा है। और उन्होंने आगे क्या कहा, जरा देखिए। थोड़ा घमंड आ गया है कि एल्विश बाहर है और उसके लिए वोट करवाता रहेगा, तो लव को कुछ करने की जरूरत नहीं, बस आराम से बैठ जाए। नहीं, लव एंटरटेन तो कर रहा है, वो हंसी मजाक कर रहा है, पर उसके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है एल्विश की आर्मी जो है उसके साथ। उसके भी सब्सक्राइबर है, ऐसा नहीं है उसकी अपनी पर्सनैलिटी नहीं है, उसकी भी अपनी पर्सनैलिटी है, पर उसके लिए जैसे लोग बोल रहे हैं पूरे सोशल मीडिया पे है, बिग बॉस हाउस में, कि तीन लोग आए हैं, एडवांटेज है, एडवांटेज है, तो कहीं ना कहीं लव के लिए भी एडवांटेज है एल्विश की आर्मी। तो उसको जरा सा घमंड आया है कि बिल्कुल भी वो सोच भी नहीं रहा उस बारे। देखो, प्राउड तो होगा उसे, है घमंड है उसे, घमंड नहीं, प्राउड है कि उसका दोस्त है एल्विश और उसके साथ है वो, प्राउड है, घमंड नहीं बोल। तो दोस्तों अब बात करते हैं एल्विश यादव, लव कटारिया और अनिल कपूर की। तो दोस्तों वीकेंड के वार में अनिल कपूर ने लव कटारिया को ये बोल दिया कि अगर तेरे में हिम्मत है तो तू अभी खड़ा होकर ये बोल कि एल्विश के जो सारे फैंस हैं वो मुझे एल्विश की वजह से सपोर्ट मत करो, वो मेरा गेम देख के मुझे वोट देना, और ये भी कहे कि किसी के कहने पर भी मुझे वोट मत देना, मेरा गेम देख के देना। तो दोस्तों इसके बाद लव कटारिया ने ये सेम लाइन खड़े होकर कह दी, उन्होंने कह दिया सभी फैंस से कि मुझे मेरा गेम देख के वोट करना, एलविश के कहने पर मुझे बिल्कुल भी वोट मत करना, अगर आपको मेरा गेम पसंद आए तो जरूर वोट करना। तो दोस्तों ये वाली क्लिप जब एलविश यादव के पास पहुंची तो उन्होंने अपने नए वाले ब्लॉग में क्या कहा, जरा देखिए। व्यूअर्स और जितने भी जो लोग हमें पसंद करते हैं उनको हम सारे पसंद है। मैं बिग बॉस के अंदर था, पीछे से इन लोगों ने खूब जोर लगाया, एलविश आर्मी ने पूरा जोर लगाया, तो मैं जीत गया। अब हमारे बीच में से चाहे लक्ष्य जाता, चाहे अर्चित जाता, कटारे चला गया, इनमें से भी कोई जाता तो अभी सपोर्ट करते क्योंकि ये तो जायज सी बात है भाई, हम तो फैमिली है ना, हमारा किसने बांटा, समझ रहे हो कि इसका अलग इसका अलग इसका अलग, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। देखो मतलब मुझे ये आइडिया समझ में नहीं आता कि फोर पीपल आर वर्किंग टुगेदर, तो बहुत सारी चीजें उनकी सेम होंगी। ट्रेंड देखा मैंने ट्विटर पे कि एलविश आर्मी सपोर्ट्स लव के। तो दोस्तों बात करते हैं मैक्स चेन की, क्या मैक्स चेन बिग बॉस OTT3 सीजन में वाइल्ड कार्ड एंट्री ले सकते हैं? तो दोस्तों इस पे पॉइंट सुपरस्टार ने कुछ कहा है, जरा देखिए। बिग बॉस वालों, आप तुम्हारे पास एक ही बंदा है जो तुम्हारे शो को TRP दे सकता है और शो की हाइप बना सकता है, उसका नाम है मैक्स चेन, ये जिसकी फोटो लग रही है। अब इसको वाइल्ड कार्ड एंट्री दे दो और शो की TRP कई हजार करोड़ में ले लो। तो दोस्तों बात करते हैं फुकरा इंसान और ईशा मालविया जो बिग बॉस 17 की कंटेस्टेंट रह चुकी है। तो दोस्तों इनका एक सॉन्ग आने वाला है और इसके रिलेटेड फुकरा इंसान ने अपने चैनल पे एक व्लॉग भी अपलोड करा बिहाइंड द सीन, जरा देखिए। और हमारे गाने का नाम क्या है? तुम बताओ। तुम बताओ क्या? तुझे नहीं पता? तुमको पता? बताओ। तुमको पता? मुझे एक्चुअली नहीं पता मेरे गाने का नाम क्या है। तो बिल्कुल नहीं बताऊं। आंटी को बताएं। हमारा गाना आने वाला है टी सीरीज का, जिसका नाम है जोर की बरसात।
था। दोस्तों बात करते हैं एलविश यादव और राउंड टू हेल के वसीम के बारे में। तो दोस्तों क्या इनके बीच में नया लफड़ा होने वाला है, क्योंकि राउंड टू हेल के वसीम ने अपनी एक वीडियो में एलविश यादव को गंदे वाला रोस्ट कर दिया। तो उन्होंने ऐसा क्या कहा जरा देखिए। रोला है, वही सही बात है, बड़े लोगों का रोला ही होता है आजकल, गरीब लोगों का ही होता क्या सिस्टम देना।